बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ सैयद गुलफाम हैदर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय सैयद गुलफाम हैदर। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट। डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में हीट को रेगुलेट करने के लिए और अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किस तरह के अडॉप्टेशंस इख्तियार करते हैं, किस तरह के मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सकें, जो उनमें हीट है उसको रेगुलेट कर सकें, उसके लिए कौन से मैकेनिज़म्स अडॉप्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस के अंदर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज के लिए थ्री डिफरेंट अडॉप्टेशंस मौजूद हैं, थ्री डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं, जिनमें सबसे पहली स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, इसी तरह से फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है और थर्ड वन जो है वो है जी बिहेवियरल अडॉप्टेशन। तो थ्री डिफरेंट अडॉप्टेशंस हमारे सिलेबस में हैं जिनके ज़रिए एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर हीट को रेगुलेट करते हैं। हम वन बाई वन इनको देखते हैं कि एनिमल्स हीट की रेगुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस। जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि एनिमल्स हीट को रेगुलेट करने के लिए एनिमल्स की बॉडी के अंदर कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए एनिमल्स अपनी बॉडी को रेगुलेट करेंगे। तो किस तरह से, कौन से स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिस तरह आप सबसे पहला पॉइंट देखिए तो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सब डर्मल फैटी लेयर्स, एनिमल्स लॉन्ग टर्म चेंजेस लेके आते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जो पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर अपनी बॉडी के अंदर हीट को रखने के लिए और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और हीट को लॉस होने से बचाने के लिए लॉन्ग टर्म चेंज लेके आते हैं। लॉन्ग टर्म चेंज से क्या मुराद है कि अपनी बॉडी के अंदर फैट्स को जमा करते हैं, फैटी लेयर बना देते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सब डर्मल, सब मीन्स बिलो, डर्मल मीन्स स्किन, स्किन के नीचे क्या बनाते हैं, फैटी लेयर्स बनाते हैं। तो एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर जो उनकी स्किन है उसके नीचे फैटी लेयर बनाते हैं और फैट्स जो होती हैं वो इंसुलेशन का काम करती हैं, बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाती हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, इसी में हमने लिखा हुआ है कि वो फैटी लेयर्स इसमें इंसुलेशन का काम करती हैं, वो जो फैटी लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है, जिस वजह से पोलर बियर उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से पैलेज का काम, पैलेज क्या होता है, पैलेज आप समझ लीजिए जिस स्किन के ऊपर की जो लेयर्स होती हैं, जिस तरह अगर हम एनिमल्स में बात करें, ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, या बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स की बॉडी के ऊपर समझ लीजिए कि उसमें हेयर्स होते हैं और उसमें फैदर्स होते हैं, फैदर्स हैं, हेयर्स हैं, तो ये बेसिकली पैलेज कहलाती है। पैलेज में शीप की बॉडी के ऊपर मौजूद जो हेयर्स होते हैं, ऊन होती है शीप की बॉडी की, वो भी पैलेज है, वो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होती है। तो एनिमल्स में ये स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस लेके आते हैं, अपनी सब डर्मल जो लेयर्स हैं, सब डर्मल स्ट्रक्चर है उसमें फैटी लेयर बना देते हैं जिनमें इंसुलेशन का काम होता है करते हैं, और पैलेज है जो स्किन जो ऊन वगैरह बॉडी में बन जाती है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ये जो एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये भी स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। स्वेट ग्लैंड हैं ये, इन ग्लैंड्स के जरिए बॉडी से जो है वो एवेपोरेशन होती है समझ लीजिए किस्म की, और बॉडी के अंदर से वाटर लॉस होता है जिससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये स्वेट ग्लैंड, ये स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, एक स्ट्रक्चर है जो एनिमल की बॉडी के अंदर मौजूद है। इसी तरह और क्या है, लंग्स विच आर मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ एनिमल्स के अंदर स्पेशली, यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो डॉग्स हैं वो पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग का मतलब होता है डीप ब्रीथ करना, जिस तरह आपने देखा हो डॉग्स जो हैं गर्मी के मौसम में ज़ुबान को बाहर निकालते हैं और वो सांस ले रहे होते हैं, तो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड द ब्रीथ, सॉरी पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब है डीप ब्रीथ करना और अपनी बॉडी की हीट को लंग्स के जरिए बॉडी से निकालना, दिस इज कॉल्ड पेंटिंग। तो ये डॉग्स के अंदर ये एक खास करैक्टर होता है। तो एनिमल्स लंग्स के जरिए अपनी बॉडी की हीट को बाहर निकालते हैं और इसको आप पेंटिंग कहते हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। तो थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस हैं जिनमें सब डर्मल फैटी लेयर्स लॉन्ग टाइम के लिए, जिनमें इंसुलेशन और पैलेज की बात करते हैं, सेकंड स्वेट ग्लैंड्स स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है, थर्ड जो है लंग्स मॉडिफाइड होते हैं डॉग्स के अंदर पेंटिंग के लिए, पेंटिंग का मतलब होता है डीप ब्रीथ लेना और जो जुबान होती है उसको बाहर निकली होती है और डीप ब्रीथ लेते हैं जिसमें आप लंग्स के जरिए उनकी बॉडी की हीट जो है वो लंग्स के जरिए लॉस हो रही होती है, जब वो एक्सहेल करते हैं तो बॉडी की हीट लॉस होती है। तो ये एक स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है।
सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन. फिजियोलॉजिकल जो वर्ड है बेसिकली फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस. इस टर्म में क्या होता है, इस अडॉप्टेशन में क्या होता है, एनिमल्स बाकायदा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपनी अडॉप्टेशन के लिए. यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे फर्स्ट वन लिखा रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन. एनिमल्स जो हैं वो अपनी उनकी बॉडी में जो मौजूद ब्लड होता है उसको स्किन की तरफ रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो अकॉर्डिंग टू नीड. तो अपनी बॉडी के अंदर जो मौजूद एनिमल्स में ब्लड है वो स्किन की तरफ भेजेंगे. ये एक उनका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है, फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है. स्किन की तरफ ब्लड को भेजने का मकसद क्या है, स्किन की तरफ ब्लड को भेजने का मकसद ये है कि या तो अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है फॉर एग्जांपल, तो गर्मी में जो ब्लड है उसको उसका फ्लो ज़्यादा करवा दिया जाता है स्किन की तरफ ताकि हीट का लॉस हो सके, और अगर सर्दी है तो ब्लड का फ्लो कम करवाया जाता है स्किन की तरफ ताकि हीट का लॉस ना हो सके. तो ये कैसे होता है, इसके लिए दो टर्म्स लिखी हैं मैंने. एक को आप कहते हो वेजो डायलेशन. डायलेशन, डायलेट का मतलब होता है सरफेस एरिया बढ़ा देना, खुल जाना. तो वेजो डायलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए कि ब्लड वेजल है, तो वेजो का मतलब वेजल है, डायलेशन डायलेट खुल जाना. तो ब्लड वेजल का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है. जब ब्लड वेजल का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वेजल डायलेट हो जाएगी, तो इसके अंदर से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा. जब ज़्यादा ब्लड फ्लो करके जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी की हीट है वो लॉस होगी. और सेकंड ये कब होता है वेजो डायलेशन, ये गर्मी के मौसम में होता है, टू डेसिपेट हीट. डेसिपेट का मतलब होता है लॉस करना हीट को, ताकि हीट को लॉस किया जा सके. सेकेंड है वेजो कंस्ट्रिक्शन. वेजो कंस्ट्रिक्शन टू टर्म्स हैं. वेजो मीन्स वेजल, कि अगर ब्लड वेजल जो है, और कंस्ट्रिक्शन मीन्स कंस्ट्रिक्ट होना, सुकड़ जाना. तो आप दूसरी टर्म में कहेंगे कि अगर ब्लड वेजल कंस्ट्रिक्ट होगी, उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, तो ब्लड भी कम फ्लो करेगा. जब कम ब्लड फ्लो करेगा स्किन की तरफ, तो उससे क्या होगा, जो हीट है वो भी कम लॉस होगी. तो इसको आप कहते हो वेजो कंस्ट्रिक्शन के जरिए हीट को इकोनोमाइज किया जाता है. ये एक टर्म है इकोनोमाइज. इकोनोमाइज का मतलब होता है सेव करना, हीट को लॉस होने से बचाना. That is called to economize heat. किस केस में, वेजोकंस्ट्रिक्शन के जरिए ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करके, और वेजोडाइलेशन से डेसिपिएट की जाती है हीट, हीट को लॉस किया जाता है. और इसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन में हीट को इकोनमाइज किया जाता है, उसको सेव किया जाता है. तो बच्चों ये कौन सी है, ये एक फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है. इसी तरह सेकेंड पॉइंट देखें तो एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स. बॉडी के कुछ मसल्स, एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और एक प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं प्लमेज फ्लफिंग. प्लमेज फ्लफिंग ये स्पेशली बर्ड्स के लिए होता है. आपने देखा बाज़ का बर्ड्स जो हैं वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं, परों को मूव करवाते हैं, ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में, या अगर कोई बर्ड परिंदा वगैरह पानी में भीग जाता है तो अपने परों को खोल देता है. उससे क्या होता है, जैसे ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बर्ड है तो बर्ड अपने परों को खोल देगा. जब ये परों को इस तरह से खोल देगा तो इससे होगा ये कि जो बाहर की एयर है वो परों के दरमियान में आ जाएगी. बाहर की हवा है वो परों के दरमियान में, ये उसके हेयर्स हैं और ये दरमियान में, उसके फैदर्स उनके हेयर्स के दरमियान में बाहर की हवा आ गई, जो क्या काम करेगी, जो इंसुलेशन का काम करेगी. अंदर की हीट फिर लॉस नहीं हो सकती, अंदर की हीट लॉस नहीं होगी और बाहर का भी जो टेम्परेचर है वो हीट अंदर नहीं आ सकती. तो इसको हम नाम देते हैं प्लमेज फ्लफिंग. प्लमेज इज़ फॉर मसल्स एंड फ्लफिंग इज़ फॉर फैदर्स. तो बर्ड्स के अंदर अपनी बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाने के लिए, अपनी बॉडी की हीट को ज़ाया होने से बचाने के लिए वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिनसे उन मसल्स के साथ अटैच जो उनके फैदर्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से दरमियान में एयर भर जाती है. यूँ समझ लीजिए जैसे गूज बम्प्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, इसी तरह से इनमें प्लमेज फ्लफिंग है जिसके ज़रिए इनकी बॉडी की हीट लॉस नहीं हो सकती. तो ये क्या है, ये एक फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है. थर्ड पॉइंट इसका ये लिखा हुआ हमने, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग. वहाँ पे स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन थी स्वेट ग्लैंड में, वो स्ट्रक्चर है एक स्वेट ग्लैंड. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्वेट ग्लैंड है उनमें से जब स्वेटिंग होती है, वाटर बॉडी से निकलता है पानी, तो उससे क्या होता है, एक एवेपोरेटिव कूलिंग आती है. वो जो कूलिंग इफेक्ट है ये एक फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है. तो स्वेट ग्लैंड ओपन होंगे, उनमें से वाटर निकलेगा, ये उसकी फिजियोलॉजिकल, एनिमल्स की फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन है कि बॉडी से स्वेट का निकलना. डियर स्टूडेंट्स उसके बाद थर्ड वन इज कॉल्ड द बिहेवियरल अडॉप्टेशन.
बिहेवियरल का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का रहना सहना, एक ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट, उसकी लोकोमोशन, उसकी माइग्रेशन, ये उसकी बिहेवियरल अडॉप्टेशन है। हम यहाँ पे कहेंगे कि एनिमल्स क्या करते हैं, मूविंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मूव कर जाते हैं ऑफ एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज मिनिमल। एनिमल्स मैक्सिमम मूव करके उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे उनकी हीट, जो बॉडी का हीट का एक्सचेंज है, वो कम से कम हो। आप ह्यूमन में देख लें, ह्यूमन क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में मैक्सिमम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे धूप कम हो, क्योंकि जो साया है वहाँ पे एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर और जो साया है उसका टेम्परेचर एक तकरीबन कम से कम फ़र्क होता है। ना कि धूप में अगर जाएंगे गर्मी के मौसम में तो धूप में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो एनिमल्स मूव करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनकी बॉडी का टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के कम से कम हो, ताकि उनको रेगुलेट करना उतना आसान हो जाए। तो ये क्या है, ये एक बिहेवियरल अडॉप्टेशन बिहेवियर है। इसकी एग्जांपल, दो एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। पहली एग्जांपल है कि ग्राउंड स्क्विल्स, जो गुलहरी होते हैं, ये क्या करते हैं, दे मूव्स टू बरोज, ये बरोज में मूव कर जाते हैं, अपने बिल में मूव कर जाते हैं इन मिड डे हीट। जब दिन के वक्त दोपहर के टाइम पे बहुत गर्मी लग रही होती है तो वो अपनी बरोस में चले जाते हैं ताकि उनको बॉडी की हीट जो होती है उसको लॉस होने से बचाएं, उसको रेगुलेट कर सकें, बॉडी की हीट को रेगुलेट कर सकें, टेम्परेचर को। इसी तरह से जो लिजर्ड्स हैं, दे बास्क इन द सन टू गेन हीट। जो लिजर्ड हैं, जो छिपकली होती है, ये क्या करती है, ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सर्दी के मौसम में धूप तापती है। आपने देखा सर्दी के मौसम में आमतौर पे छिपकली दीवार पे धूप वाली जगह पे अटैच हुई होती है, वहाँ पे चिपकी होती है, उसका मकसद होता है कि वो सनलाइट से हीट को ले रही होती है। तो ये रेगुलेशन का एक उसका समझ लीजिए बिहेवियरल अडॉप्टेशन है कि वो धूप तापती है। तो धूप तापना एक बिहेवियरल अडॉप्टेशन है लिजर्ड के अंदर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट सॉरी, और आखिरी पॉइंट है कि एनिमल्स आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द हीट एक्सचेंज बाय चेंजिंग देयर पॉस्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉस्चर। पॉस्चर मींस पोजीशन। एनिमल्स एक और बहुत अहम काम करते हैं कि अपनी बॉडी के पॉस्चर को चेंज करते हैं ताकि बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कम से कम जो है वो एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्जांपल सर्दी के मौसम में डॉग्स की बात करें या कैट्स की बात करें, तो सर्दी के मौसम में ये ऐसे अपनी बॉडी को फोल्ड किया होता है। या ह्यूमन की, बाकी एनिमल्स की बात करें, तो हम अपनी बॉडी को फोल्ड करते हैं सर्दी के मौसम में ताकि बॉडी का जो पॉस्चर है, बॉडी के जो सर्फेस एरिया, वो कम से कम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एक रابطہ रह सके, जिस वजह से बॉडी की हीट कम से कम लॉस हो। तो हम अपनी बॉडी को ऐसे फोल्ड करते हैं। इसी तरह डॉग्स और कैट्स देखा, वो बैठे होते हैं और वो बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाने के लिए अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये उनकी बॉडी की एक पोजीशन है, उनकी बॉडी का एक पोस्चर है कि अपनी बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाना। सर्दी के मौसम में बॉडी को हम फोल्ड करते हैं, गर्मी के मौसम में अपनी बॉडी को खुला रखते हैं ताकि हीट मैक्सिमम लॉस हो सके। तो ये क्या है, ये हमारा एक बिहेवियरल अडॉप्टेशन है कि एनिमल्स क्या करते हैं, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सर्फिस एरिया, ये सर्फिस एरिया को कंट्रोल करते हैं अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज, ताकि हीट एक्सचेंज जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड हो सके बाय चेंजिंग देयर पोस्चर। पोस्चर मींस पोजीशन, ताकि अपनी बॉडी की पोजीशन को इस तरह से रखते हैं ताकि हीट जो है अकॉर्डिंग टू नीड जो है नीड जरूरत के मुताबिक जो हीट है उसका लॉस हो सके। तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा क्या है, बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट की बात की। थ्री डिफरेंट अडॉप्टेशंस हमारे सिलेबस में हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन में सब डर्मल फैटी लेयर है, जिसमें इंसुलेशन और पैलेज है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। डॉग्स जो होते हैं वो पेंटिंग करते हैं, वो लंग्स के जरिए हीट को लॉस करते हैं, तो वो पेंटिंग कहलाता है। ये स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन थी। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में फंक्शन परफॉर्म होंगे, वो क्या है, जिस तरह ब्लड फ्लो स्किन की तरफ ब्लड को मैक्सिमम भेजा जाता है, और इसमें दो काम किए जाते हैं, या वैजो डायलेशन की जाती है या वैजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है। डायलेशन में हीट का मैक्सिमम, ब्लड मैक्सिमम मूव करेगा ब्लड वेजल से, सरफेस एरिया डायलेट हो जाएगा, उसका ब्लड वेजल डायलेट हो जाएगी तो हीट लॉस होगी और डेसिपेट हीट होगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन में कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ब्लड कम फ्लो होगा, बॉडी से हीट कम लॉस होगी। उसके बाद जो सेकंड है वो एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स, प्लमेज फ्लफिंग होती है, बर्ड्स अपने
परों को अपने फैदर्स को मूव करवाते हैं, परों में फ्लफिंग कहलाएगा। स्वेट ग्लैंड्स एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए किया जाता है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल है। बिहेवियरल अडॉप्टेशंस में स्कर्ल्स जो होती हैं वो बरोज में मूव कर जाती हैं मिड डे हीट में, और लिजर्ड्स जो होते हैं वो बास करते हैं, वो धूप तापते हैं सर्दी के मौसम में अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। और इसी तरह से एनिमल्स अपनी बॉडी की पॉस्चर के जरिए, बॉडी की पोजिशन को, अपनी सरफेस एरिया को अकॉर्डिंग टू नीड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं, ताकि उनकी बॉडी की जो हीट है वो अकॉर्डिंग टू नीड एक्सचेंज हो सके। दिस वन इज द बिहेवियरल अडॉप्टेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन को शुरू करेंगे। थैंक यू।